डर स्टूडेंट्स वेन वी वॉक ऑन ए सर्फिस अवर फूड डो नॉट स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू सर्फिस दैट मीन्स फ्रिक्शन कैनोट बी काटिक इन नेचर द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन इज काटिक ओनली वेन देर इज रिलेटिव स्लाइडिंग बिट्वीन टू सर्फेसिस लेकिन अगर हम लोग मूव कर रहे हैं रन कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं किसी सर्फिस में तो हमारे पैर उस सर्फिस के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करते स्लाइड नहीं करते तो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है तो फ्रिक्शन कैन नॉट बी काइनेटिक इन नेचर लेकिन यह वाली बात भी सही है कि अगर हम लोग वॉक करना चाहें या मूव करना चाहें या रन करना चाहें और फ्रिक्शन ना हो फ्रिक्शन लेस सर्फेस हो तो हमारा वॉक करना या मूव करना या रन करना पॉसिबल नहीं होगा फ्रिक्शन जरूरी है वॉक करने के लिए या मूव करने के लिए या रन करने के लिए तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी है और फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक भी नहीं हो सकता है. तो अब एक ऑप्शन बचता है कि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक हो तो अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि अगर हम लोग वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन का नेचर ग्राउंड या सरफेस और पैरों के बीच में स्टैटिक नेचर का होता है इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सपोज हम लोग अपने जूतंग के सोल को कलर डाई से कलर कर लें और किसी सरफेस में हम लोग वॉक करें फाइंड द पैटर्न ऑफ द सोल ऑन द ग्राउंड ग्राउंड में सोल के पैटर्न का इम्प्रिंट आ जाता है अगर ये इम्प्रिंट आ रहा है सोल का ग्राउंड में ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पैरों और ग्राउंड के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग ना हुई हो अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है और फ्रिक्शन की भी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन इज मस्ट अगर वहां पे है तो फ्रिक्शन का नेचर स्ट्रेटिक ही हो सकता है तो अब हम लोग कंफर्म होकर कह सकते हैं कि फ्रिक्शन वाइल्ड वॉकिंग और रनिंग शुड बी स्टैटिक इन नेचर स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर होता है सेल्फ एडजस्टिंग ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है नॉट ओनली विद द मैग्नीट्यूड आल्सो विद द डायरेक्शन ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है तभी इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग तो कमिंग सेक्शन में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ फ्रिक्शन वाइल वॉकिंग और रनिंग ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे लर्न करेंगे कुछ सिलेक्टेड इले के थ्रू कुछ प्रैक्टिकल केसेस के थ्रू तो चलते हैं हम लोग इलेस्ट्रेशन पार्ट में इन दिस इलेन इट इज गिविन विद वॉट मैक्सिम एक्सलेशन कैन ए मैन रन अप एंड डाउन ऑन ए फिक्स इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इनक्लेनेशन थीटा आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो दो केसेस यहां पे इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद विदर्जेंटल और ये फिक्स है और फर्स्ट केस में मैन इज रनिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अप द इंक्लाइन, एंड इन द सेकेंड केस मैन इज रनिंग डाउन द इंक्लाइन। हमें यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलेशन बतलानी है जो मैन यहां पे अचीव कर सकता है वाइल रनिंग अप और रनिंग डाउन

अगर हमें यहां पे मैक्सिमम एक्सलेशन मालूम करना है तो हमें इसमें लगने वाले फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना होगा दैट मीनस हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा सो अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे मैन है और ये थीटा डिग्री पे इंक्लाइन प्लेन तो मैंने यहां पे लाइन थीटा डिग्री पे बना दी ओके लेट अस मेक द कंपोनेंट ऑफ द वेट इंक्लाइन प्लेन केस में हम लोग वेट के कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं टू द इनक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन प्लेन पैरलर टू द इनक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा एम जी साइन थी एंडुलर टू द इनक्लाइन प्लेन डाउन द इनक्लाइन प्लेन हो जाएगा एम जी को नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाइंड प्लेन ऑन द फोर्ट दाइट ये हमारे पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन ओके अब यहां पर हमें मैक्म एक्सलेशन मालूम करना है

अपर डायरेक्शन so, की डायरेक्शन इनक्लाइन प्लेन के पैरल अपवर डायरेक्शन में हम लोग बना देंगे और दिस फ्रिक्शन शुड बी स्टैटिक इन नेचर तो ये मैंने बना दिया small f, okay? अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे स्मॉल एफ की वैल्यू कैल्कुलेट करनी होगी तभी हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे सो लेट एस राइट द इक्वेशन ऑफ द मोशन इक्वेशन ऑफ द मोशन ही इज मूविंग फ्रिक्शन so, okay? तो का नेचर स्टेटिक मैक्सिमम एक्सलेशन मालूम करना है तो यहां पे हम लोग कहेंगे फ्रिक्शन जिस समय मैक्सिमम होगा तो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तक पहुंचेगा क्योंकि अगर एक्सलेशन मैक्सिमम होगा तो स्मॉल एफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी लेकिन यहां पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस फ्रिक्शन शुड बी लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होता है म्यू एस बाय एन तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एफ

एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम की डायरेक्शन भी बना देंगे तो ये मैंने मैन कर लिया. और यहां पे भी हम लोग के component, down the inclined plane, mg sin theta, और थीटा नॉर्मल रिएक्शन एन ऑफर्ड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द मैन एन ये हो जाएगा और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सुलेशन ए कैलकुलेट करना और फ्रिक्शन का नेचर यहां पे भी स्टैटिक। तो फ्रिक्शन अगर हमें डायरेक्शन तो okay? और ये नीचे की तरफ जा रहा है में आप देख रहे हो, तो, लगेगा में. तो मैं यहां कर देता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एफ स्मॉल एफ की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी तो वी नीड टू द फ्री बॉडी डायग्राम और फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग वी कैन राइट एफ

वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू होगी मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन वीन मैन इज रनिंग डाउन द इनक्लाइन प्लेन जब इनक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ रन कर रहा होगा ये उसका होगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलेशन ओके डियर एस्पिरेंट्स संगेज इंडिया हैज लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ अवर जी एडवांस फिजिक्स बुक्स प्लीज विजिट डब्ल्यू 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 डॉट संगेज डॉट डॉट इन टू बाय कॉपी You can also buy the books from Amazon or Flipkart.